नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। प्रदेश भर में नगर पालिका और नगर निगम के सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं, जिससे प्रदेश की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अल्मोड़ा नगर पालिका परिषद के 13 वार्डों का भी गंदगी से बुरा हाल है। अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर जो प्रदेश की सबसे पुरानी पालिकाओं में शुमार है, लेकिन पिछले सप्ताह भर से गंदगी की बदबू से लोगों का जीना दूभर हो चुका है। मगर जिला प्रशासन इस मुद्दे से नजर मोड़े हुए है। इस समस्या को लेकर अल्मोड़ा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सहित हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता की और चरमराई सफाई व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री से इसके समाधान के लिए भी वार्ता की। वहीं सफाई कर्मचारियों नेताओं ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष ने प्रयास सार्थक रहा है, पर सफाई कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इंसाफ हो सके। देखिए, हमारी शासन स्तर पर दो बार तो हो चुकी है और माननीय नगर विकास मंत्री जी ने भी हमें आश्वासन दिया है। 23 तारीख को हम लोग उनसे भी मिले थे और आज माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष हमारे माननीय विधायक श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी के द्वारा अखंड प्रयास किए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी दूरभाष पर उन्होंने वार्ता की है कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी दूरभाष पर उन्हें विश्वास दिलाया कि हम यथाशीघ्र बैठक कर रहे हैं आज और बैठक करके कैबिनेट में इसको पास करेंगे और जो भी संभव होगा हम इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण कर रहे हैं। तो अल्मोड़ा से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।